नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंसेप्टो मैनिया में। आई एम सुबह शर्मा, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पानीपत। वही वाला पानीपत जहाँ तीन लड़ाई हुई थी ना, वही वाला। आई हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन परसुइंग LLB एंड आई एम अ UPSC एस्पिरेंट एंड आई एम हेयर टू शेयर माई नॉलेज विद यू। सो लेट्स स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन knowledge with you. So let's start a very interesting topic, that is constitution. So what is constitution? Generally, you know, constitution हमें बहुत ही एक heavy word लगता है. We heard of it in news, सुनते रहते हैं. But what exactly constitution is? ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द एग्जांपल। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगी एंड देन वी विल रिलेट इट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, तो शायद जल्दी हमें समझ आ जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि जब हम एक घर बनाते हैं, व्हेन वी स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस, तो उसमें हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमारे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड होता है, उस पे हम अपनी फाउंडेशन बनाते हैं, नींव भरते हैं, नींव के ऊपर हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। जब हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं या तैयार करने से पहले वी हैव एन आइडिया कि हमारा घर कैसा होना चाहिए, है ना, हम उसके बारे में सोच लेते हैं। हमारा घर स्पेशियस हो, यू नो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, द वॉल शुड बी वाइट एंड देयर शुड बी लॉट ऑफ ग्रीनरी, और घर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, कहाँ फर्नीचर रखा जाएगा, कहाँ, तो हम ये सारी चीजें जैसे डिसाइड करते हैं, प्लानिंग करते हैं, एंड देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन वी शिफ्टेड टू दैट हाउस। एंड यू नो, घर में आने के बाद जब घर में सब लोग रह रहे हैं, देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटीज कि घर में कौन क्या काम करेगा, किसके पास क्या पावर होगी, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। देन विद द यू नो विद द पैसेज ऑफ टाइम घर में हमें अलग अलग जरूरतें फील होती हैं, है ना, कि अब यहाँ पे हमें एक रूम और कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इज इंक्रीजिंग, तो हम क्या करते हैं कि यू नो टेरेस के ऊपर एक और फ्लोर हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो इस टाइप के जैसे जैसे फिर हम घर में रहते हैं, हमें अलग अलग जरूरतों का पता चलता रहता है और हम उस हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन करते रहते हैं, है ना। इन द सेम वे दिस इज हाउ अ कंट्री रन्स, है ना, तो वो कंट्री चलती कैसे है, दैट इज गवर्न्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो नाउ कम टू डेफिनेशन। इट इज अ फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ अ नेशन दैट स्टेट्स द पावर, ड्यूटीज, कैरेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड द मैनर इन विच दीज पावर्स आर टू बी एक्सरसाइज्ड। इट ऑल्सो स्टेट्स द राइट्स ऑफ द सिटीजंस, ठीक है। तो क्या, इट इज अ फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ। आप एक एक मैं एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन करूंगी एंड आप लोग अपने माइंड में घर वाला एग्जाम्पल रखना और उसके साथ हम कंपेयर करते हो चलेंगे। इट इज अ फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ। फंडामेंटल मीन्स वेरी बेसिक। तो फंडामेंटल लॉ का क्या मतलब है, ऐसा लॉ जो बाकी सब लॉज का एक बेस है, ठीक है। इंडिया के अंदर, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर कोई भी लॉ बनेगा तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बियंट से बाहर जाके नहीं बन सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बेस दिया है, उसके बाहर जाके कोई लॉ नहीं बन सकता। इट इज अ फंडामेंटल लॉ, इसके ऊपर सारी चीजें बनेंगी। जैसे आपने घर में अपनी फाउंडेशन बनाई, नींव बनाई, आप उसके ऊपर ही स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे ना। अगर आप अपने फाउंडेशन से बाहर जाके कुछ बना भी देंगे, इफ इन केस आपने बना भी दिया, तो वो चीज स्ट्रांग नहीं होगी एंड आफ्टर अ टाइम वो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। इन द सेम वे अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बना भी देता है आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जाके, देन जुडिशरी हैज द पावर टू डिक्लेयर दैट लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नल एंड वॉइड, तो वो हो जाएगा। तो इट इज अ फंडामेंटल लॉ। एंड ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मीन्स समथिंग विच हैज लाइफ। किसी चीज के पास अगर लाइफ है, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक। दैट इज वाई आपने सुना भी होगा कि हम कहते हैं कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, इसमें लाइफ है। लाइफ मीन्स कि टाइम के साथ जो जो हमें चेंजेस करने हैं, हम इसमें अमेंडमेंट्स करते रहते हैं। टिल नाउ वी हैव डन 103 अमेंडमेंट्स। जैसे मैंने आपको बताया, अब हम घर में रह रहे हैं, घर में रहने के बाद हमें जरूरत से पता चलने लगती है कि ये कमी है, हमें ऐसे चेंज कर लेना चाहिए, वैसे चेंज करना चाहिए। इन द सेम वे अब 70 साल पहले संविधान बना था, तो इट इज नॉट नेसेसरी ना कि वो आज भी परफेक्ट हो। आज के टाइम के हिसाब से हमें जैसी जरूरतें लगती है उसमें चेंज करते रहते हैं। इट स्टेट्स दैट द पावर, ड्यूटीज एंड कैरेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज है, क्या कैरेक्टर है। कैरेक्टर हेयर मीन्स लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप मैंने घर का एग्जाम्पल दिया, तो घर में क्या बताया कि घर कैसा होना चाहिए, स्पेशियस होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए, वाइट वॉल्स होनी चाहिए। तो हमारे वैसे ही इन द सेम वे गवर्नमेंट का या किसी भी कंट्री का कैरेक्टर कैसे, कि वो डेमोक्रेटिक है या नहीं, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सॉवरेन, इन चीजों से कैरेक्टर डिसाइड होता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, व्यवस्था कैसी है, संगठन कैसा बना हुआ है, ठीक है।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट डिपेंड्स अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव. इफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर देन पार्लियामेंट्री ऑर्गेनाइजेशन होता है. इफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव आर कंप्लीटली सेपरेटेबल, ठीक है, तो प्रेजिडेंशियल सिस्टम होता है. तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट कैसी है ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है. एंड द मैनर इन विच दीज पावर्स आर टू बी एक्सरसाइज. और इन पावर्स को, कौन सी पावर्स को, जो गवर्नमेंट के पास पावर है वो इन पावर को कैसे यूज कर सकता है, कैसे हमारी सरकार यूज कर सकते हैं इस पावर को, ये कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है. इट ऑल्सो स्टेट्स द राइट्स ऑफ सिटीजन्स कि जो उस देश के नागरिक हैं उनके पास क्या अधिकार है. फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स दैट इज मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन से हमें ये सब पता चलता है क्या सब, कि एक तो ये फंडामेंटल ऑर्गेनिक लॉ है, दूसरा गवर्नमेंट की पावर ड्यूटीज कैरेक्टर और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है, थर्ड कि वो अपनी कौन गवर्नमेंट अपनी पावर को किस तरह से यूज कर सकता है, एंड फोर्थ कि सिटीजन्स के क्या राइट्स है, उनकी क्या ड्यूटीज है. ठीक है, नाउ कम टू द राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. के कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे है उस बेसिस पे दो टाइप का होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. और ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर कि वो कैसे नेचर का है, तो दैट इज उसपे दो टाइप का होता है, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड. तो लेट्स स्टार्ट विद द रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. देखो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इट इज एन इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन. इनेक्टेड मीन्स जिसको बनाया गया है, दैट इज क्रिएटेड बाय स्पेशल बॉडी एट वन टाइम, एक बार में बनाया गया है. इंडिया के अंदर जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बैठ के 2 साल 11 महीने कुछ दिनों में पूरा करके रिटन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इट इज एन इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन. इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज नॉट क्रिएटेड बाय अ स्पेशल बॉडी बट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट लॉज पास बाय डिफरेंट पीपल और बॉडीज एट डिफरेंट टाइम. अलग अलग रूलर ने अलग अलग टाइम पे जो लॉ पास करे थे उन सबको इकट्ठा करके, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है दैट इज इवॉल्व. मतलब आज भी उसमें लॉज बस ऐड होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक बारी में बैठ के किसी ने बनाया है, अलग अलग टाइम के रूलर्स ने. फॉर एग्जांपल ब्रिटेन 1215-18 में मैग्ना कार्टा वॉज पास बाय अ रूलर और वो आज भी वहां के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. दैट शोज द इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन की तब से देखो चलता आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा जो इसके अंदर वो है की पॉइंट है, दैट इज कि देखो ब्रिटेन के अंदर कभी किसी और कंट्री ने आके रूल नहीं करा, तो वहां पे उनके अपने रूलर्स ने ही रूल करा है, तो उनको अपने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है. उनके जो रूलर्स थे उनके जो लॉज थे वो आज भी उन्होंने इंटैक्ट रखे हुए हैं कि उनको चेंज करने की उन्हें जरूरत नहीं है क्योंकि वो उनके अपने रूलर्स थे, है ना. लेकिन अब इंडिया की अगर हम बात करें तो हम ब्रिटिश कॉलोनी रहे हैं, हम उनके रूल्स पे क्यों चले. सो वी डिसाइडेड टू मेक आवर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इंडिया के लिए, इंडिया के लोगों के लिए. तो this is enacted constitution and this is evolved constitution. I hope this is clear. Then there is distinction of laws in written constitution. Distinction of laws का मतलब क्या है कि देखो constitution तो हमने एक बार बना लिया, अब country में laws बनते रहते हैं, नए नए act आते रहते हैं और कुछ पुराने act repeal भी होते रहते हैं, लेकिन हम हर law को constitutional status नहीं देते. ठीक है, लॉज विच आर इम्पॉर्टेंट जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को या किसी बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं हम उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देते हैं, अदरवाइज हम हर लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं देते. ठीक है ना, देयर आर सम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज. फॉर एग्जाम्पल मनरेगा है ना, तो मनरेगा क्या है, इट इज अ स्टैट्यूटरी लॉ. पार्लियामेंट ने बनाया एक लॉ है, एक राइट दिया है लोगों को, राइट टू वर्क, बट इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, देर इज नो डिस्टिंक्शन ऑफ लॉ, दैट इज एवरी लॉ बिकम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. वहां कोई भी लॉ बनाया जाएगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में एड कर दिया जाएगा. तो एवरी लॉ बिकम, मतलब देर इज नो डिस्टिंक्शन कि ये चीज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है. कोई भी लॉ बना छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, दैट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, बट हम इंडिया में देखते ना ऐसा नहीं होगा, हर एक लॉ को हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं कहते. देन the third difference is in written constitution, constitution is supreme not parliament, while in unwritten parliament is supreme. देखो यहाँ पे क्या है, if you relate every point ना आपको हर एक चीज clear समझ आ जाएगी. constitution is supreme not parliament, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पहले बेस बन गया, अब वही बात है कि देखो ब्रिटिश क्योंकि हम कॉलोनी रहे हैं सो वी डोंट ट्रस्ट गवर्नमेंट एंडलेसली, है ना, वी मीन्स द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया हैज सफर्ड कि उनके ऊपर इतने लोग इतने टाइम तक किसी ने शासन किया, तो सरकार उस टाइम ब्रिटिश सरकार थी वो लोगों के लिए नियम बनाती थी,
है ना, तो दे डोंट ट्रस्ट गवर्नमेंट ब्लाइंडलेसली। तो इसलिए हमारे यहाँ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को हमने सुप्रीम बनाया, ना कि पार्लियामेंट को। अगर हम पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाते तो देयर कैन बी मिसयूज ऑफ पावर्स, कि पार्लियामेंट किसी भी तरह का लॉ बना देगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमने बेस बनाया है और पार्लियामेंट उस अकॉर्डिंगली काम करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, नॉट द पार्लियामेंट। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। आई टोल्ड यू अगेन दैट कॉन्सेप्ट यू कैन अप्लाई ना, कि क्योंकि वहां कोई रूलर नहीं रहा, दे डोंट हैव यू नो, उनको उस चीज का एहसास नहीं है कि कोई आपके ऊपर आके रूल भी कर सकता है, कोई आपके लिए गलत लॉज भी बना सकता है। नो, दे डोंट हैव दैट फीलिंग बिकॉज उन्होंने ऐसा कभी कुछ फेस नहीं किया। तो वहां पे क्या है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा दैट बिकम्स पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इवन ये तक कहा जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर कन्वर्टिंग अ मैन इनटू वुमेन एंड वुमेन इनटू मैन, कि ये काम छोड़ के वो बाकी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी लॉ बना सकते हैं, एंड दे कैन ऐड दैट टू कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? देन इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी जनरली एंजॉयज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड कैन डिक्लेयर एनी लॉ ऑफ पार्लियामेंट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मैंने आपको बताया था घर की हमने फाउंडेशन बनाई, उसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा किया, अगर आप उस फाउंडेशन से बाहर जाके कुछ बनाएंगे तो वो स्ट्रक्चर वीक होगा और वो जल्दी गिर जाएगा, है ना। अगर पार्लियामेंट कोई लॉ ऐसा बना भी देता है आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जाके, तो जुडिशरी के पास पावर है, जुडिशरी के पास पावर है कि वो उसको वहीं पे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज चेक एंड बैलेंसेस। हम आगे की वीडियोस में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, चेक एंड बैलेंस। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। पार्लियामेंट अपनी मर्जी से कोई लॉ नहीं बना सकता, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अनरिटन में क्या है, लिमिटेड पावर ऑफ जुडिशरी, कांट डिक्लेयर एनी लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड। यहाँ पर जुडिशरी ऐसा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया तो दैट इज फाइनल, जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकती। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इट कैन गिव राइज टू एनी ऑफ पॉलिटी ईदर फेडरल और यूनिटी। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा कि गवर्नमेंट यूनिटरी है या फेडरल। यूनिटरी मींस व्हेन देयर इज ओनली वन गवर्नमेंट, मतलब देयर इज ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन ब्रिटेन यूनिटरी सिस्टम है। अब फेडरल क्या होता है, व्हेन देयर आर टू गवर्नमेंट्स, वन एट द सेंट्रल लेवल एंड अदर एट द स्टेट लेवल, तो वो होता है फेडरल सिस्टम। तो फेडरल है या यूनिटरी है, कुछ भी हो सकता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में इट गिव राइज टू यूनिटरी पॉलिटी, बिकॉज देखो यूनिटरी क्यों होगा, यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट किसी भी तरह का लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट है सुप्रीम, दैट मीन्स सेंटर इज सुप्रीम, सेंटर इज सुप्रीम, तो यूनिटरी पॉलिटी, देयर इज नो स्टेट गवर्नमेंट। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मे बी रिजिड और फ्लेक्सिबल, रिजिड भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, मतलब इट कैन बी इजी टू चेंज और इट कैन बी हार्ड टू चेंज। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इट इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल, चेंज करना हमेशा क्या है, आसान है। भाई अगेन कि पार्लियामेंट के पास पावर है, जब एक बॉडी के पास ही पावर है तो क्या होगा, वो चीज उनके लिए बहुत आसान है, वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड देन कम टू रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज वेरी सिंपल कि फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल एज द नेम सजेस्ट, इट कैन बी चेंज्ड इजिली, आप इसको चेंज कर सकते हैं आसानी से। रिजिड में क्या है, इट कैन नॉट बी चेंज इजिली, आसानी से चेंज नहीं हो सकता। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल, अभी हमने बात करी अनरिटन है, अनरिटन है ब्रिटेन में, पार्लियामेंट के पास सारी पावर है तो जैसे आसानी से बना सकते हैं वैसे आसानी से चेंज भी कर सकते हैं। एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मे और मे नॉट बी फ्लेक्सिबल, हो सकता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल हो भी और ना भी हो। फॉर एग्जाम्पल इन श्रीलंका, श्रीलंका में क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और फ्लेक्सिबल है, लेकिन यूएसए में क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है बट फ्लेक्सिबल नहीं है। तो मतलब देयर कैन बी ईदर केस, है ना, फ्लेक्सिबल रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है, कोई भी सॉरी फ्लेक्सिबल में क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा फ्लेक्सिबल होगा और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फ्लेक्सिबल मीन्स विच इज इजी टू चेंज, और यहाँ पे क्या है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एज अ नेम सजेस्ट हार्ड, इट कैन नॉट बी चेंज इजिली, और जनरली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड। फॉर एग्जाम्पल यूएसए, आई टोल्ड यू एग्जाम्पल ना कि रिजिड है, रिटन है तो वो रिजिड होगा, अगर वो आसानी से चेंज हो जाएगा, आसानी से अगर वो चीज चेंज हो जाएगी तो दैट मीन्स देयर इज मिसयूज ऑफ पावर हो सकता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या है, ये सारे फीचर्स डाले गए हैं। सो नाउ अगर हम इन सब चीजों को कंपाइल करें और अब हम ये देखना चाहें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बारी में बैठ के हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे लिए ये बनाया है। देन इट इज अ ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। हमारे यहाँ क्या है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, मतलब देर आर सम फीचर्स जिसको आसानी से चेंज किया जा सकता है बट देर आर सम फीचर्स जिनको चेंज करना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज इंडिया इज अ फेडरल सिस्टम।
ठीक है, अब पहले ये पढ़ लेते हैं, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वाइज। फेडरल मतलब क्या है कि हमारे यहाँ टू गवर्नमेंट है, वन इज द सेंटर एंड अदर इज द स्टेट, विद यूनिटरी वाइज। यूनिटरी वाइज मतलब थोड़ा झुकाव, किसका झुकाव, पावर का झुकाव सेंटर की तरफ ज्यादा है, मतलब सेंटर हैज मोर पावर एज कम्पेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो यही से एक्चुअली ये चीज निकल के आती है कि कुछ चीजें तो हमारे यहाँ चेंज करनी आसान है और कुछ चीजें हमारे चेंज करनी मुश्किल है। जिन चीजों में हम फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करना चाह रहे हैं, मतलब जिन ऐसे चेंजेस जिससे स्टेट पे इंपैक्ट पड़ेगा, उन चीजों को चेंज करना मुश्किल है, उसमें हमें स्टेट की परमिशन लेनी पड़ती है। और जिन चीजों, जो चीजें डायरेक्ट सेंटर के हाथ में, उनको सेंटर यानी कि पार्लियामेंट आसानी से चेंज कर सकता है। सो दिस इज अ ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड होप यू लाइक इट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।